time we saw him on the TV, like when he debuted for the India team, but he got injured at first in the test match. So when he came back again in the India team, it was like, you know, like we can also do something, like a guy from our place can do something great. पहले हमारे में 1982 में जो उसके पहले जो हमारा क्रिकेट था, बोईसर एरिया या पालघर एरिया का क्रिकेट था, वो यहाँ तक ही सीमित था. लेकिन अभी 2013 के बाद में हमारा क्रिकेट बॉम्बे और इंडिया, ये हमारा क्रिकेट हो गया. तो हमारे बच्चे चाहता है कि एवरीबॉडी फील्स कि हम इंडिया खेल सकते हैं. ये एक इंस्पिरेशन शार्दुल के वजह से हमारे इंडिया के बच्चों को मिला. हमारे बच्चे ऐसे तैयार हुए हैं. हमारे बच्चे हैं जो शार्दुल के बाद में हमारे बच्चे हार्दिक तामोरे है, साईराज पाटिल है, सिद्धार्थ राउत है, अतीफ पत्तरवाला है. ये सब बच्चे जो है वो अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, जो कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलते हैं. और हमको उम्मीद है, हमको होप्स है कि अगर ये अच्छा परफॉर्म करेंगे, अच्छा मेहनत करेंगे, तो ये इंडिया खेल सकते. सो दैट इज द एस्पिरेशन फ्रॉम शार्दुल ठाकुर. यहाँ से ये शार्दुल का एरिया स्टार्ट होता है. यहाँ सब उसके दोस्त भी, दोस्त लोग इधर ही रहते सब. आपके गांव में लड़कियां क्रिकेट खेलती है? नहीं, नहीं खेलती हो? ज्यादा नहीं, मतलब ऐसे ही गलत क्रिकेट. तो आपको कैसे शौक आया क्रिकेट खेलने का? वही तो, मैंने मैच देखा था, इसलिए वो लड़कियां खेल रही थी तो मुझे भी लगा कि मैं क्यों नहीं खेल सकती. फिर मैं भी खेलती हूँ. तो बताया कि मुझे भी खेलना है. अभी मुझे बताइए, आप मुंबई अंडर 15 के लिए इस साल आपने खेला, तो उसका एक्सपीरियंस बताइए मुझे, कैसा था? अच्छा, बहुत अच्छा था. मतलब फर्स्ट टाइम मैं प्लेन में गई, और मैं तो पहली बार मैं अपने घर को छोड़ गई, दूर गई थी, मतलब 15 दिन के लिए गई थी. और घर की याद आती थी तो रोती थी. और उधर बहुत ठंड भी थी. कितने मैच खेले आप? 5 मैच खेले. फर्स्ट मैच में 38 रन बनाया, और बाकी 4 मैच में मैं ओपनिंग बैट्समैन बैटिंग करती थी, लेकिन ज़्यादा हुआ. पहले ऐसा लगता था कि हम क्रिकेट खेल रहे तो अपने आप हो जाते हैं, लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे पता चला कि नहीं, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है. और बाकी और बड़े दीदी को देखकर मुझे ऐसा लगता था कि ये इतना अच्छा खेलती है, इतने लेवल पर. फिर उनको मैं फॉलो करती थी, जैसे सानिया जी और शरी जी थी, उनको. वो तभी मुंबई में खेल रही थी, तो उनके जैसा मुझे भी बनना है, इसीलिए मैं भी उसी तरह मेहनत करती थी. और बाद में वो इतनी मेहनत करके मैं अंडर 15 मुंबई खेला. सब्सक्राइब टू मिड डे इंडिया. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.